हे दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मणि स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों अभी आपने जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। NHM नर्स भर्ती 2021, जी हाँ दोस्तों NHM के द्वारा 1865 पदों पर भर्ती आ रही है, स्टाफ नर्स के लिए, NM के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। बिल्कुल दोस्तों नई भर्ती है, इसमें हम आपको जो है क्वालिफिकेशन के बारे में, जॉब लोकेशन के बारे में, सैलरी के बारे में, साथ ही हम आपको दोस्तों बिल्कुल ऑफिशियली प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल के आ रही है कि 1 अगस्त से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों इस वीडियो में दो सबसे बड़ी खबर देंगे, तो हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। चलिए सबसे पहले ऑफिशियली न्यूज देख लेते हैं, तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, चलिए प्रूफ देख लेते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो यहां पर दोस्तों आप लोग प्रूफ देख सकते हो, 18 जुलाई उत्तराखंड देहरादून पेज नंबर 3 पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों उत्तराखंड हिंदुस्तान से बड़ी खबर है। नीचे देखिए, भर्ती एजेंसियों ने तोड़ी बेरोजगारों की आस, नीचे यहां पे जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है, अच्छे से देख लेना। तो यह दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी खबर है। चलिए नंबर 1 सबसे बड़ी खबर देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नंबर 1 सबसे बड़ी खबर, नेशनल हेल्थ मिशन रिक्रूटमेंट 2021, उत्तराखंड में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 1865 पदों पर होगी भर्ती। मुख्य संवाददाता देहरादून, 14 जुलाई 2021 की सबसे बड़ी ऑफिशियली अपडेट। तो बिल्कुल दोस्तों लेटेस्ट न्यूज है अभी, यह जो है 14 जुलाई 2021 की हिंदुस्तान की तरफ से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। नीचे आप लोग यहां पे देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड में 1865 पदों पर भर्ती होगी। इसमें डॉक्टरों के साथ आयुष चिकित्सक, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ और NM के पद भी हैं। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य स्वच्छता व पोषण समितियों का गठन करने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंगलवार को विधानसभा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान प्रदेश में उन्होंने 1865 पद भरने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने को जल्द प्रतिनिधियों का सम्मेलन करने को कहा। पहले चरण में राज्य के सांसद एवं विधायकों का सम्मेलन होगा, दूसरे चरण में जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निकाय अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों का सम्मेलन होगा। तो दोस्तों UK NHM की तरफ से 1865 पदों पर दोस्तों यह भर्ती आ रही है। 1865 पदों पर यह भर्ती होगी, जिसमें NM की भर्ती होगी, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ, स्टाफ नर्स, डॉक्टर्स, आयुष चिकित्सक, आयुष मेडिकल ऑफिसर की भी वैकेंसी होने वाली है। तो यह दोस्तों NHM के अंतर्गत भर्ती आएगी, जो कि उत्तराखंड में यह भर्ती आ रही है। तो बिल्कुल दोस्तों 1 अगस्त तक जो है यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी, बिल्कुल बड़ी खबर है। तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो। चलिए दूसरी सबसे बड़ी खबर देख लेते हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे बड़ी खबर यहां पे देख सकते हैं, मैंने जो है आपको प्रूफ भी दिखा दिया है, उत्तराखंड हिंदुस्तान की न्यूज है, यहां पे आप लोग चेक कर सकते हैं। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, नर्सिंग से निकल के आ रही है। अभी आप लोग देखिए हिंदुस्तान में जो ये न्यूज है, आज 18 जुलाई 2021 को दोस्तों पब्लिश की गई है। 3 बार स्थगित हो गई नर्सिंग भर्ती। यहाँ पे देखिए, नर्सिंग स्टाफ बढ़ाने के लिए प्रस्तावित भर्ती 3 बार स्थगित की जा चुकी है। 2621 पदों के लिए प्रस्तावित इस भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी UBTER को दी गई है। परिषद के सचिव डॉक्टर मुकेश पांडे के मुताबिक शासन स्तर से ही परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किए गए हैं। राज्य में भर्ती का हाल बहुत बुरा है। यहाँ पे देखिए भर्ती, और इसमें जो आवेदकों की संख्या है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो LT के लिए 50,000 आवेदन किए गए हैं, सहायक लेखाकार के लिए 17,000 आवेदन किए गए हैं, इंटरमीडिएट स्तर के लिए 1.19 लाख लोगों ने आवेदन किया है,
स्नातक स्तर की भर्ती के लिए 2.21 लाख लोगों ने आवेदन किया है। सचिवालय सुरक्षाकर्मी के लिए 30,000 लोगों ने आवेदन किया है। और ये जो नर्सिंग है 2,621 वैकेंसी, इसके लिए 9,001 लोगों ने जो है आवेदन यहाँ पे किया है। तो दोस्तों ये जो है सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही थी उत्तराखंड से, दो सबसे बड़ी खबर मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। साथ ही एक और बड़ी अपडेट यहाँ पे आप लोग देखिए क्या है माजरा। तो बोला जा रहा कि 4.37 लाख आवेदकों को चयन आयोग की परीक्षा का इंतजार, 38 महीने में भी पूरी नहीं हो पाई फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा। अभी 38 महीने हो चुके हैं, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा अभी कंप्लीट नहीं की गई। 8,000 समूह गा के पदों पर भर्ती पूरी हो पाई 2017 से अब तक। और यहाँ पे देखिए 20,000 युवाओं को नौकरी देने का दावा किया है सरकार ने। और अभी यहाँ पे आप लोग इसमें देखिए चुनावी साल में राज्य सरकार ने अगले 6 माह में 20,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वायदा तो किया है, लेकिन भर्ती एजेंसियों की हकीकत कुछ और है। राज्य में 5 साल से PCS के फॉर्म नहीं निकले हैं। अधीन सेवा चयन आयोग के पास 5 परीक्षाएँ लंबे समय से अटकी हुई हैं। समूह गाँव के भर्ती के लिए जिम्मेदार उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग के पास इस समय 5 परीक्षाएं ऐसी हैं जिनके लिए आवेदन भरे हुए 6 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन परीक्षा कार्यक्रम अब तक तय नहीं हो पाया है। इन परीक्षाओं के लिए कुल 4.37 लाख बेरोजगारों ने आवेदन किया है। आयोग के पास इस समय लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक, प्रयोगशाला सहायक के पदों के लिए भी आवेदन प्रक्रिया जारी है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए 21 मई 2018 को विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन 3 साल बाद भी अभी अंतिम चयन नहीं हो पाया है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी के मुताबिक कोविड के कारण भर्ती परीक्षाएं बाधित हुई, अब वन दरोगा भर्ती के साथ पुनः भर्ती परीक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। भर्ती में देरी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान कहते हैं PCS भर्ती तैयारी में युवाओं को 5 से 6 साल का समय लगता है। उत्तराखंड में 5 साल से PCS के आवेदन ही नहीं निकले हैं, इससे बहुत से युवा बिना परीक्षा में बैठे ही आयु सीमा पार कर जाते हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल कंफर्म न्यूज़, बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसमें आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड में सरकार का वादा चुनाव तक पूरा होने की संभावना नहीं, भर्ती एजेंसियों ने तोड़ी बेरोजगारों की आस। तो ये जो है दोस्तों सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही थी। तो दोस्तों सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड में जो है UK NHM के अंतर्गत जो है 1865 पदों पर 1 अगस्त तक बिल्कुल कंफर्म है नोटिफिकेशन आ जाएगी UK NHM के द्वारा। आप लोग NM के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ, स्टाफ नर्स, आयुष मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पे जो नर्सिंग परीक्षा है 2621 पदों पर, इसका दोस्तों जल्द से जल्द एग्ज़ाम होने वाला है। तो थोड़ा सा वेट करिए और जल्दी से जॉब इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। कैसा लगा न्यूज़ जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, नीचे आप लोग कमेंट कर दो। थैंक यू दोस्तों।